नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जीवन जीने का एक तरीका होता है और जीवन जीने के लिए आदमी को एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, इनकी पर्सनालिटी, जो आजकल की युवा हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की पर्सनालिटी होने का मतलब यह है कि बुढ़ापे में समस्या। अतः आप सभी युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा तो इस तरह की बॉडी के चक्कर में ना पड़े। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह की बॉडी के लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर जिम में मशीनें हैं, मैं आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ साइकिलिंग की। ये जो साइकिल होती है, तो जो लोग होते हैं, तो जैसे मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा कि एक तो आप थोड़ा सा ये साइकिलिंग करिए, जब कभी आपको मौका मिले तो आपको इस तरह से साइकिलिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ये साइकिलिंग जैसे आप करेंगे तो आपके घुटने वगैरह बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास जैसे है। नहीं देखिए ये अच्छा, दूसरा यहाँ से आप टाइट कर लीजिए, यदि आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है तो इस तरह से आप कर लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ साइकिलिंग। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक होता है वॉकिंग। ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और ये देखिए, अभी आप स्लो स्लो चलिए शुरुआत में, जैसे आप ऐसे चले तो इससे क्या होगा कि आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बड़े बड़े शहरों में आजकल क्या होता है कि जगह नहीं होती, तो उस जगह की कमी के लिए इस तरह से मशीनें आ गई हैं कि आपको लगेगा कि जैसे मैं वॉकिंग कर रहा हूँ सुबह की। अच्छा, मैं अभी अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा तो वो पूरी इन चीजों को दिखाएं कि जैसे ये एक एक्सरसाइज होती है। मैं तो अभी युवाओं को बोलूंगा जिनका वेट कम है, वो कभी इस तरह की एक्सरसाइज ना करें, और अगर करना है तो वेट को बहुत कम रखें, ताकि जैसे अगर वो एक्सरसाइज करते भी हैं तो जैसे अभी मैंने तो अपने हिसाब से वेटिंग का इसमें बनाया हुआ है, और यदि आपने ज्यादा किया तो फिर ये आपको कमर में या कहीं भी आपको तकलीफ दे सकती है। अच्छा, अब मैं बॉडी की बात कर रहा था, आपने अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह की बॉडी नहीं, अपने को इस तरह की बॉडी चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे इन लेडीजों को कि ये एक्सरसाइज करती हैं, तो इन्होंने इस तरह की बॉडी बनाया हुआ है, और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की बॉडी बने। और बहुत सारी मशीनें हैं अभी यहाँ पर कि जैसे आप इसको एक्सरसाइज में उपयोग कर सकते हैं और इसमें वजन उठा सकते हैं, और अभी हमारे ओलंपिक में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने वजन उठाया। और वजन उठाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप ये छोटे छोटे डंबल लें, और छोटे छोटे डंबलों से आप धीरे 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 धीरे, यदि आपने एक्सरसाइज पहले इसके पहले नहीं की है तो उससे क्या होगा कि आपका वेट उठाने का जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप अचानक से इस तरह के वेट को उठाएं, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, इसलिए कि ये वेट तभी उठाना चाहिए जब आपको लगे कि मैंने पहले छोटी छोटी मशीनों से और अपनी एक्सरसाइज कर लिया है, और हमारे अंदर कुछ मसल्स आ गई हैं, कुछ हमारा वेट बढ़ गया है। कम वेट के लोगों को तो बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार अगर किसी ने ओवरवेट उठाया है तो सबसे ज्यादा उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आती है, और इवन कि मैंने एक बार ये देखा था कि जिसको जो वजन नहीं उठाना चाहिए था उसने उतना उठा लिया था, उसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में क्रेक आ गया था। इसलिए आप लोगों को सतर्क रह के, यदि आप जिम जाते हैं तो आपको सतर्क रहना है, और सतर्क रह के ही आपको शुरुआत में साइकिलिंग करना है, शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, जैसे इन मशीनों का उपयोग करना है, इस तरह की मशीनों में आपको चलना है, वॉकिंग करना है, और वॉकिंग करने के बाद फिर जब आपका वजन बढ़ जाए कुछ दिन में, जैसे अभी आप इसमें बढ़ रहे हैं, इसमें प्लस और माइनस सब कुछ होता है, प्लस करेंगे आप तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा स्पीड मेरी बढ़ी हुई है। तो अब जैसे एक तरह की ये साइकिल मैं आपको दिखाता हूं अभी, इस साइकिल की विशेषता ये है कि यदि आपने इसमें
साइकिलिंग की तो आपके घुटने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपका घुटना जो है, जिन लोगों को अर्थराइटिस या ह्यूमन राइट एक और कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये आपको परेशानी से मुक्ति दिलाती है। तो जब भी कभी आप जिम में जाएं तो अचानक से किसी वेटेड चीज को, कि हमें अचानक से वेट उठा लेना है, हमें अचानक से बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर लेना है, तो इन एक्सरसाइजों से आप लोगों को बचना चाहिए। और जैसे ये है मशीन, यहाँ पे वजन उठाने का है, आप इसको चाहें तो उठा सकते हैं ऐसे, और यदि आप चाहें तो ऐसे मसल्स बना सकते हैं। लेकिन मसल्स बनाने के पहले आपको वेट की बहुत जरूरत है, आपका भी वेट होना चाहिए और आपको कितना वेट उठाना है ये यहाँ लिखा रहता है। इसलिए मैं तमाम ऐसे लड़कों से, ऐसे युवाओं से कहूँगा कि जब भी कभी आप जिम में जाते हैं तो कोशिश यही करिए कि पहले जिम के पूरे गाइडलाइन पढ़िए और उसके बाद जितना वजन आपको उठाना चाहिए केवल उतना ही वजन उठाइए, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे जिसके लिए आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरी यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।